गुड मॉर्निंग क्लास सेकंड स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल आर हैप्पी एंड गुड। आई वीना रानी फ्रॉम विजडम स्कूल। बच्चों, जैसे आपको पता है, आपका पार्ट 6 वचन जो है कंप्लीट भी हो चुका है, और इसका क्वेश्चन 1, 2, 3 मैं आपको बुक एक्सरसाइज में करवा चुकी हूँ, और इसका पीडीएफ भी मैंने भेज दिया था। आज मैं दोबारा से इनको भी रिवाइज करवाऊंगी, और आपको फोर्थ क्वेश्चन जो है वो भी रिवाइज करवाऊंगी, और इसके बाद आपने अपनी बुक में इसको कंप्लीट कर लेना है और इसको अच्छे से लर्न भी करना है। प्रश्न एक, मौखिक तथा लिखित प्रश्न। एक वचन किसे कहते हैं जो शब्द एक का बोध कराते हैं? जिन शब्दों से हमें एक चीज या एक वस्तु या एक व्यक्ति एक का बोध होता है, एक का ज्ञान होता है, उसे हम एक वचन कहते हैं। लड़की का बहुवचन बताइए। लड़की लड़कियां, लड़की लड़कियां। बहुवचन किसे कहते हैं जो शब्द एक वचन एक का ज्ञान कराते हैं, और बहुवचन जो शब्द एक से अधिक का ज्ञान कराते हैं? बहुवचन में हमें एक से, जिन शब्दों से एक से अधिक का ज्ञान हो, बोध कराएं, उन्हें हम बहुवचन कहते हैं। प्रश्न दो है, सही विकल्प का चयन कीजिए और उस पर गोला लगाइए। अनेक का बोध करवाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? अभी हमने ऊपर किया है ना, अनेक मतलब एक से ज्यादा। एक से ज्यादा में हमने, जब हमें बोध होता है एक से ज्यादा का, तो हम उसे क्या कहते हैं? बहुवचन। तो हम बहुवचन पे गोला लगाएंगे। एक का बोध करवाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? एक का बोध करवाने वाले एक वचन, तो हम एक वचन पे गोला लगाएंगे। खिड़कियां शब्द है एक वचन या बहुवचन? बहुवचन है। खिड़की एक वचन, खिड़कियां बहुवचन, तो हम बहुवचन पे गोला लगाएंगे। प्रश्न तीन है, नीचे लिखे वाक्यों को वचन के आधार पर बदल कर लिखिए। मतलब जो इसमें जो वाक्य दिए हुए हैं, उन वाक्यों में एक शब्द जो है वो अलग रंग में लिखा हुआ है, तो उसी रंग का वचन बदल कर हमने दोबारा से इसका वचन बदल के दोबारा से वाक्य लिखना है। कमल ने किताब खरीदी, तो किताब का बहुवचन क्या बनेगा? किताबें। तो कमल ने किताबें खरीदी, कमल ने क्या बन जाएगा? कमल ने किताबें खरीदी। राम ने केला खाया, इसमें केला अलग रंग में लिखा हुआ है, तो हमने केला का बहुवचन, केला का वचन बदलना है। तो केला एक वचन में है, तो केला का बहुवचन बनेगा केले, तो हम क्या लिखेंगे? राम ने केले खाए। एक केला था तो केला खाया, तो बहुवचन है, तो राम ने केले खाए। मेज पर मक्खी बैठी है, मक्खी अब एक वचन है, और ये लाल रंग में अलग कलर में लिखे हुए है, तो हम इसका वचन बदलेंगे। मक्खी का बहुवचन क्या होगा? मक्खियां। तो मेज पर मक्खियां बैठी हैं। अब एक मक्खी थी तो है पे बिंदी नहीं आएगी, और मक्खियां बहुवचन है, तो है पे भी हम बिंदी लगाएंगे, बिंदु लगाएंगे, तो इसको क्या पढ़ेंगे? मेज पर मक्खियां बैठी हैं। अब प्रश्न चार है, वचन बदल कर लिखिए। वचन बदल कर लिखिए। चिड़िया चिड़िया, इसमें सिर्फ हमने क्या बदलना है? देखिए, चिड़िया ऐसे कैसे लिख के उसके ऊपर चांद बिंदु लग जाएगा, तो इसको चांद बिंदु को हम क्या बोलते हैं? अनुनासिक। चांद बिंदु को हम क्या बोलते हैं? अनुनासिक। तो चिड़िया का क्या बन जाएगा? चिड़िया। बोतल बोतलें, ले पे बिंदु, तो बोतल बोतलें। खिड़की खिड़कियां, देखिए खिड़की में क को ई की मात्रा, लेकिन खिड़कियां में क को ई की मात्रा। मैंने आपको बताया था ना कि जब एक वचन होता है, तो एक वचन में हम जब बड़ी की मात्रा लास्ट वाले अक्षर पे, लास्ट वाले वर्ण पे बड़ी की मात्रा हो, तो वचन बदलने पे वह मात्रा छोटी ई की हो जाती है। तो खिड़की खिड़कियां, बच्चा
बच्चे, बच्चा बच्चे, नदी नदियां। अब देखिए द को बड़ी की मात्रा, ई की मात्रा, तो द को इ की मात्रा, और नदी का क्या बन गया, नदियां, नदी नदियां। कपड़ा कपड़े, कपड़ा कपड़े, कपड़ा कपड़े। आंख आंखें, आंख आंखें। के पे चांद बिंदु, सॉरी के पे बिंदु। नाव नावें, वे पे बिंदु, नाव नावें। ये आपने पेज नंबर 27 सारा अच्छे से रिवाइज भी करना है, कंप्लीट भी करना है, और प्रश्न 4 इसको दोबारा से समझना है, और इसका मैं पीडीएफ आपको भेजूंगी, तो आपका पूरा ये पेज कंप्लीट भी होना चाहिए और आपको लर्न भी होना चाहिए। ओके बेटा, टेक केयर।